हे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो इंडिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त यश अहिर। दोस्तों आज के इंटरेस्टिंग ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं मुक्तागिरी, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। तो दोस्तों चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी का महाप्रवेश द्वार। दोस्तों यहाँ से आपको पहाड़ों की ओर जाने वाला रास्ता दिखाई देता है, तो चलिए पहाड़ों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम सुबह सुबह 6 बजे मुक्तागिरी के पवित्र पहाड़ों पर वंदना करने के लिए निकल पड़े। दोस्तों क्योंकि सुबह सुबह पहाड़ों पर घूमने फिरने का मजा कुछ अलग ही लेवल का होता है। हे दोस्तों मैं आपको इस मुक्तागिरी की सबसे खास और विशेष बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों चंदन और केसर की बारिश होती है, जो कि दोस्तों अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है। दोस्तों इस मुक्तागिरी के पहाड़ों पर मानव निर्मित 52 जिनत चैत्यालय है। इन मंदिरों में कुछ अति प्राचीन है और शेष 16वीं शताब्दी के है। दोस्तों यदि आपको जिंदगी में सफल बनना है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो दोस्तों मुक्तागिरी को आप एक बार जरूर आइएगा, प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। मुख्य मंदिर क्रमांक 10, यह अति प्राचीन 2500 वर्ष पूर्व का गुफा मंदिर है। पंचपरमेष्टी जिसे मगध सम्राट श्रेणिक बिंबसार ने निर्माण किया था। तो चलिए दोस्तों मंदिर क्रमांक 10 के अंदर का व्यू कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यह सबसे प्राचीन और पुरातन मंदिर है। अभी आप देख सकते हो अंदर कैसा काला काला अंधेरा छाया हुआ है। और दोस्तों देख लो, दोस्तों इसका बहुत पुरातन इतिहास है। मंदिर देखा ना, ये है मुक्तागिरी का सबसे ऐतिहासिक और पुरातन मंदिर, मंदिर क्रमांक 10। यहाँ आना मत भूलना। ओके अभी दोस्तों दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, पूरा व्यू देखना, एंजॉय करना। दोस्तों यहाँ पर 250 फीट की ऊंचाई से जलधारा गिरती है, वॉटरफॉल, जिससे जल प्रताप की निर्मिति होती है। मंदिर क्रमांक 26, मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ की 4 फीट ऊंची काले पाषाण की सप्तपनी पद्मासन सातिशय मूर्ति विराजमान है।
तो ऐसा कहा जाता है यह मंदिर 16वीं शताब्दी का है। यहाँ पर शाश्वत पूजा एवं बोलि द्वारा पंचामृत अभिषेक रोजाना सुबह 8:30 बजे होता है। दोस्तों हम सुबह 6 बजे पहाड़ों पर वंदना के लिए निकल गए थे और अभी टाइम हो रहा है 7:05, यानी दोस्तों हमने लगभग 1 घंटे में आधी वंदना पूरी कर ली। अभी दोस्तों सबसे ऊपर के मंदिर में जाके देखते हैं वहाँ से मुक्तागिरी का ऐतिहासिक व्यू कैसा आता है। दोस्तों बहुत हाइट पर है, थकान महसूस हो रही। दोस्तों अभी जो आप यह पुल देख रहे हैं ना, इसके नीचे से वर्षा के ऋतु में एक बढ़िया सा झरना बहता है जो कि दोस्तों देखने में अत्यंत आकर्षित होता है। यहाँ पर मनोभाव से की गई प्रार्थना पूर्ण होती है। क्षेत्र विशेष मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मुनीश्वरों ने तथा महान साधकों ने विशेष आत्मा साधना कर सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त की। 3.5 करोड़ मुनीश्वरों की यह मोक्ष स्थली है। तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ का समूह शरण यहाँ आने से यह तीर्थ क्षेत्र भी है, जिससे सबके मन के दूषित भाव बदलने लगते हैं। दोस्तों विशेषकर जो वयोवृद्ध महिला और पुरुष का वर्ग है उनके लिए यहाँ पर डोली की व्यवस्था की गई है ताकि पहाड़ों पर वंदना करते समय उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों जो अब मुक्तागिरी में 52 मंदिर है उनमें से हम अभी खड़े हैं मंदिर क्रमांक 49 के सामने। दोस्तों मंदिर क्रमांक 49 के सामने आप मुक्तागिरी का बढ़िया वाला व्यू देख सकते हो। और दोस्तों हाँ, यहाँ से एक बढ़िया वाली सेल्फी खींचना मत भूलना। ये दोस्तों जिसको जिसको इधर आना है ना, तो भाई लाइक करे और कमेंट करे। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन इंटरेस्टेड है मुक्तागिरी को आने के लिए। दोस्तों मुक्तागिरी के पहाड़ों पर वंदना करने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता है। सुबह 6 बजे हम पहाड़ों पर वंदना के लिए निकल गए थे और अभी दोस्तों समय हो रहा है 8:05, यानी दोस्तों लगभग 2 घंटे में हमारी वंदना पूरी हो गई है। दोस्तों यदि आपको श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी के बारे में और इन्फॉर्मेशन होना तो जरूर दोस्तों उनके साथ संपर्क करें और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं यश आहिर आपसे मिलूंगा अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।